कार्यक्रम के सभी दर्शक मित्रों को पंडित एसएन पांडे का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम आज आपको वैवाहिक और संतान की जो रेखाएं होती हैं उनके संबंध में बहुत कुछ विस्तृत तो नहीं, हाँ कुछ चुनिंदा रेखाओं के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप 1150 नंबर के हाथ में एक मैरिज लाइन के ऊपर और मरकरी माउंट के नीचे सर्कल के अंदर संतान रेखा पर काला, पीला, लाल, सफेद या गेहूं के कलर का ही क्यों ना हो, अगर एक छोटा सा तिल मात्र भी क्यों ना हो, उस पर कोई बिंदु भी हो, इनकी पहचान के लिए आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इन्हें भली भांति देख सकते हैं। इस संतान रेखा के अंतिम भाग में ऐसा निशान है, यानी संतान पैदा होने के बाद जब 15 से 20 वर्ष की अवस्था में होती है और ऐसा निशान किन किन के हाथों में देखा जा सकता है इस दुनिया में, क्षतयोग यानी तामसिक, रजोगुण, सात्विक गुण और तामसिक गुण वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसी रेखा लगभग सत्वगुणी व्यक्ति के हाथ में ही देखी जा सकती है। कई बार जिन व्यक्तियों का अकाउंट पॉजिटिव होता है यानी पुण्य जिनका होता है उन्हीं को प्रकृति सिग्नल देती है। सभी लोगों को सिग्नल दे पाना संभव नहीं, ये रेखा सभी के हाथों में हो पाना भी संभव नहीं। जिनका पुण्य उदित होता है उन्हीं को प्रकृति संकेत भी देती है। कई बार आपने देखा किसी प्रकार की रेखा नहीं है, मैरिज लाइन भी नहीं है, फिर भी उनकी शादी हो जाती है और अचानक बर्बादी भी हो जाती है। ये रेखाएं कहते हैं कि संतान होगी और उन्हीं के हाथों में रेखाएं होंगी जिनका पाप होगा या पुण्य होगा, यानी वो सिग्नल देते हैं कि आपके जीवन में अमुक अमुक घटनाएं संभावित होने वाली है। तो ऐसा निशान यानी कोई तिल का निशान हो, कोई बिंदु का निशान हो, तो निश्चित रूप से वो संतान भयंकर से भयंकर बीमार का शिकार होगी अथवा किसी दुर्घटना का शिकार भी हो जाएगी, या ऐसा ना हुआ और कई बार पाप उदित ज्यादा हुआ तो इस कंडीशन में बेचारी संतान, या तो कई बार आपने देखा होगा कोई लड़की है परीक्षा में फेल हो जाती है और इस कलयुग में तो सदमा किसी को होता नहीं, इतना डिप्रेशन हो चुका है, छोटी सी कष्टमयी बात क्यों ना हो जाए, बस शेल्फास की टैबलेट या आत्महत्या, फांसी, सीधा सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी संतान बताती है कि लगभग 20 और 16 वर्ष के अंतराल में या तो आत्महत्या करके या कोई जहर खाकर या स्वयं कमिटेड सुसाइड कर लेती है, यानी ये रेखा बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। और ये रेखा संकेत उन्हीं को करेगी जिनका सात्विक प्रवृत्ति होती है, जिनका पुण्य उदित होता है। और ये रेखा बताती है कि आपका कुछ पुण्य है, अगर आप चाहें तो इसे टाल भी सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा जंगल में हो या फिर शहर में हो, जब भी शेर किसी जानवर के ऊपर वार करता है, उसे अपना शिकार बनाता है, तो पहले बैठता है और अचानक दांव लगाता है और उस पर घात लगा देता है, जंपिंग करके अपना शिकार पकड़ता है। इसी कारण से ये रेखाएं बताते हैं कि आपके जीवन में अमुक अमुक घटनाएं होने वाली हैं, अगर आप चाहें तो बच जाए, कोई शेर रूपी शत्रु आपकी संतान को चाहे वो दुर्घटना का कारण बताए या कोई सुसाइड का कारण बताए या कोई डिप्रेशन के द्वारा मौत का कारण बताए, लेकिन कारण जरूर बताएगा। अतः अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों में या आपके पति के हाथों में ऐसी रेखाएं हैं और लगभग ऐसी घटनाएं आपके जीवन में देखी जा रही हैं और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपको गॉड मरकरी की मंत्र साधना, दान साधना, प्रार्थना, आप जो भी उचित समझें उनके अनुसार अगर आप उपयोग करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो इस बात की हम गारंटी देते हैं कि संतान पूरे जीवन जिएगी, दीर्घायु आपकी संतान होगी, नाम
रोशन करने वाली होगी, अन्यथा इस भाव सागर में आए दिन प्रतिदिन रोज आप समाचारों में टेलीविजन पर देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आए दिन कोई छोटी सी संतान 10 वर्ष की है, कोई 16 वर्ष की है, कोई 20 वर्ष की है, कोई आत्महत्या कर रहे हैं, कोई जहर खा के मर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े में, कोई षड्यंत्र में मारे जा रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो बन ही जाता है। मुख्य कारण है अकाल मौत, अल्पायु में मौत। ये रेखाएं अगर ऐसी रेखाएं दिख जाए तो आप उन्हें बचा सकते हैं, केवल इतना ही सिग्नल कर रही है। और इसी के साथ हाथ नंबर 1151 नंबर में जैसा आप देख रहे हैं, यहां मरकरी माउंट के नीचे और मैरिज लैंड के ठीक ऊपर एक संतान रेखा सर्पाकृति में लहराती हुई देख पा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना उचित है, ये रेखाएं उन कन्याओं के हाथ में जो अभी अनमैरिड हैं, या वो महिलाएं जिनकी उम्र हो चुकी है यानी अब संतान करने योग्य नहीं है, उनके हाथों में नहीं देखने को मिलती है। ये रेखाएं केवल उन्हीं के हाथों में देखी जा सकती है, लगभग 20 वर्ष से 30 वर्ष की जिनकी उम्र होती है, यानी जो संतान पैदा करने योग्य है। आजकल लगभग एक संतान का टाइम 18 वर्ष से 45 साल तक ही होता है और ये रेखाएं इतनी आयु में ही देखने को प्राप्त होती है। जैसा देश काल परिस्थितियां बदल रही है वैसी वैसी रेखाएं भी बदल रही है। और अगर ऐसी सर्पाकृति संतान रेखा किसी भी मनुष्य के हाथ में हो, खासकर ये रेखाएं महिलाओं के हाथ में देखने को मिलती है, ये रेखा बताती है एक तो संतान पैदा ही नहीं होगी। जैसी संतान रेखा डमाडोल है, कई बार आपने देखा होगा किसी की संतान होती ही नहीं, 30 साल होगी, 35 साल, 40 साल तक संतान होगी तो मृत शिशु का ही जन्म होगा, या संतान रुग्णी होगी, अस्वस्थ होगी बालारिष्ट दोष के कारण, उस संतान का देहावसान हो जाता है। आए दिन बीमारी होगी और बीमारी यहां तक हो जाती है, पूरा धन बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता और माता पिता को पूरी तरह से मानसिक यातना देकर ऐसी संतान जाती है। ऐसी संतान कई बार एबोर्शन भी करा देती है। आपने कई बार देखा होगा किसी कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, संतान ठहरने की शुभ वार्ता मिल गई, खुशियां छा गई, 6 महीना हुए गर्भपात हो गया, गर्भ फेल हो गया, दुख मातम छा गया। ऐसी रेखाएं इतना दुखद समाचार प्रदान करने वाली होती है। आजकल के विद्वान, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्री हो या ज्योतिष आचार्य हो या कोई बड़े विद्वान ही क्यों ना हो, केवल इतना उपाय बताएंगे, खान पान रखिए, समय समय पर चिकित्सा का उपयोग करिए और समय समय पर ही चिकित्सा लेते रहना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता, वो हर एक आदमी करता है। जब कोई प्रेग्नेंट होता है, समय समय पर चिकित्सा लेना, आगंतुक शिशु का ध्यान रखना, भोजन करना और पोषण तत्वों का उपयोग करना, ये सभी जानते हैं, इससे संतान को ठीक करना उचित नहीं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, क्यों होता है, अगर हम सच्चाई की बात करें, लेकिन आपको उस बात पर यकीन नहीं होगा, किंतु आपको यकीन हो अथवा ना हो, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वही हम बयां करेंगे। और सच्चाई यह है कि ऐसी रेखाएं उन मनुष्यों के हाथ में होती हैं, उन महिलाओं के हाथों में होती हैं जिनका बुध ग्रह अशुभ है। और बुध ग्रह होता क्या है, ऐसा मान के चलिए इस शरीर रूपी घर का एक दरवाजा है, अगर घर पर दरवाजा ना हो तो घर परिवार के अलावा दूसरे लोग घर में प्रवेश करेंगे, बिल्ली कुत्ता चूहा अन्य जानवर घर में प्रवेश करेंगे और घर का जो सामान है तितर बितर कर देंगे, और घर की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। जब अवांछनीय
व्यक्ति हमारे घर में आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, तो क्या उस घर में शांति रहेगी? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में गॉड मरकरी यानी बुध ग्रह की अशुद्ध दशा हो जाती है, तो मनुष्य के जीवन में संतान से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित और ना जाने किस किस प्रकार की व्यापार, नौकरी, रोजगार, शिक्षा, ऐसे कम से कम 25 कारण हैं। लेकिन एक बात हम आपको गारंटी से कह दें, वैवाहिक जीवन और संतान का जीवन सुखद हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में बुध की दशा चलती है, बुध की अशुभ दशा होती है, तो इस बात की गारंटी है कि ना ही संतान शुभ होती है और ना ही उनकी पत्नी अच्छी होती है। किसी न किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, पत्नी अनुकूल नहीं होगी, संतान भी अनुकूल नहीं होगी, पता नहीं कितने प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल 100% सत्य बात है। अतः जब भी आपके जीवन में बुध ग्रह की दशा अशुभ हो, आप शादी ना ही करें तो अच्छा है, और उस समय संतान को जन्म ना ही होने दें तो ही अच्छी बात है, अन्यथा इसके परिणाम दुष्परिणाम ही होते हैं। बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ये हमने अभी तक बहुत ही गहन अध्ययन के बावजूद ही अनुभव किया है। अब रही बात रेमेडी की, तो वाकई में अगर आप रेमेडी चाहते हैं, ठीक जैसे इस स्त्री रूपी घर में दरवाजा रूपी खिड़की पर अगर जाली रूपी पहरेदार ना हो, तो उस खिड़की से मच्छर, मक्खियां, बिल्ली और भी कई जानवर आ जाते हैं, और वो इस घर में रखे दूध रूपी शिशु को मच्छर, मक्खियां, कीड़े, बैक्टीरिया, फफूंद आदि उस दूध को दूषित कर देते हैं। और दूध रूपी शिशु को जब दूषित करते हैं तो दूध फट जाता है, अर्थात 4-5 महीने के बाद गर्भ गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। दूध जब फटेगा तो पानी अलग और दूध का जो तत्व है वो अलग। और कई बार आपने देखा होगा बिल्ली उस दूध को या दूध के कुछ भाग को चट कर जाती है। माना 2 किलो दूध है, शिशु रूपी दूध है, पूरा दूध तो बिल्ली का बच्चा पिएगा नहीं, आधा लीटर पी जाएगा, 1 लीटर पी जाएगा, अब उसमें से आधा बचा, यानी संतान होगी तो मृत संतान ही पैदा होगी या बिल्कुल कुर्ब संतान होगी। सोचिए कि अगर हमारे घर रूपी इस शरीर में जाली रूपी पहरेदार यानी बुध रक्षा कवच होते, पहरेदार बुध है यहां पर, हर मनुष्य के जीवन में अगर कोई ऊपरी बाधा, आधाएं बाधाएं, प्रेत आत्माएं जब भी प्रवेश करती हैं, वहां पर दरवाजा रूपी बुध ग्रह की अशुभ दशा होती है। अशुभ दशा का मतलब है घर में दरवाजा ना होना। बुध दशा जब चलती है तो वो मनुष्य बिना दरवाजे जैसा हो जाता है, जैसे बिना दरवाजे का घर, वैसे ही मनुष्य बिना रक्षा का हो जाता है, और वहां पर बस प्रेत आत्मा यानी ऊपरी चक्कर, ऊपरी बाधाएं हावी होने लगता है, और मनुष्य के जीवन में फिर उत्पन्न होती है। कभी हमारी संतान विकलांग होती, कभी गर्दन में कोई एक अतिरिक्त अंग हो जाता है, नाक में, कान में, या 5 उंगलियों के स्थान पर 6 उंगलियां, या संतान भद्दी होती है, गोंगी पैदा होती है, किसी के 3 पांव है, किसी संतान के धड़ 1 है, सर 2 है, पांव पतला है, हाथ भारी मोटा है, पेट बिल्कुल पतला सा है, सर भारी है, कई प्रकार की, इसे हम कहते हैं कुरूप संतान। और कुरूप संतान एक बात अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, तब पैदा होती है जब हमारे शरीर पर बुध ग्रह की दशा का रक्षण कवच नहीं होता। बुध ग्रह की अशुभ दशा होने पर आपके जीवन में ऐसी घटना होती है, संतान गलत पैदा होती है। अतः हम अभी अपने जितने भी दर्शक हैं, हमारी माताएं, पिता तुल, जितने भी हमारे वृद्धजन हैं, उनके लिए हमारा
अनुरोध है, हमारा सुझाव है कि संतान हो या शादी का समय, आप अपने बुध तुल्य या ईश्वरीय तुल्य बुध ग्रह की दशा को अवश्य देखें और समझें। अगर आपने बुध ग्रह की दशा को ठीक किया तो आपका जीवन सुखमय होगा, संतान शुभ होगी, अथवा आपको संतान अशुभ तो होगी ही, पूरे जीवन भर विनाश का कारण होगा। इसी के साथ हाथ नंबर 1152 में जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ जो आपको रेखाएं दिखाई जा रही हैं, यहाँ मैरिज लाइन के ठीक ऊपर और मर्करी माउंट के ठीक नीचे एक संतान रेखा पर क्रॉस दिख पा रहा है। अगर क्रॉस का निशान संतान रेखा पर हो तो ऐसी संतान लगभग या तो मृत शिशु का ही जन्म होता है, या जन्म होने के बाद ऐसी संतान रुग्णी पैदा होती है, उसे कोई ना कोई रोग रहता है, भयंकर बीमारी रहती है, और बालारिष्ट के कारण ऐसी संतान का कई बार संतान पैदा होने के बाद ठीक हो जाती है, फिर बीमार हो जाती है, और कहां तक ठीक होगी, फिर ठीक होगी, फिर बीमार होगी, यानी कोई ना कोई लगा ही रहता है इनको रोग, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग उन्हें लगा ही रहता है, और यही रोग एक दिन 4-5 साल की उम्र होते होते उस संतान की जान लेकर ही छोड़ता है। तो एक बात निश्चित होगी, अगर किसी भी संतान रेखा पर क्रॉस का निशान नॉर्मली नहीं देखेगा, अगर आप इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखेंगे तो क्रॉस का निशान आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसा निशान अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वो संतान मौत का मुख खुलकर ही रहेगा। ऐसे निशान भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा पर भी आ जाए तो संतान की मौत तो होगी ही, साथ में मां की मौत भी हो जाती है। ध्यान रखना, अगर संतान रेखा पर क्रॉस का निशान, जीवन रेखा पर क्रॉस का निशान, मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का निशान और हृदय रेखा पर क्रॉस का निशान है तो संतान तो मरेगी ही, ऐसी संतान अपनी पैदा करने वाली जननी यानी माता को भी ले जाती है। कई बार आपने देखा होगा संतान भी जाती और संतान को पैदा करने वाली मां की जान भी चली जाती है, इतना भयंकर दोष बताने वाली ये रेखाएं होती हैं। ऐसी रेखाएं बताती है कि जिस घर में भी ये संतान जन्म लेगी उसका पिता, उसकी मां, पूरा परिवार कर्ज में डूबेगा, और इसका खुलासा लगभग ऐसे माता पिता को 10 साल तक भुगतना पड़ता है, यानी उस चीज की चिंता कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, 10 साल तक दिमाग पटल पर वो बात घूमती रहती है, इतना भयंकर हानि कराने वाली ये रेखाएं होती हैं। अगर आपके मन में आता है कि इसकी रेमेडी के लिए क्या करना चाहिए तो हम अपने सभी धर्म को मानने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, पारसी हो या कोई भी हो, वो लोग अगर गॉड मरकरी की यंत्र साधना, मंत्र साधना, दान साधना, प्रार्थना अगर करते हैं, और भी कई नियम हैं, ऐसा नहीं है कि धर्म अकेले को माना जाए, लेकिन एक बात हम पुनः कह दें कि ऐसी कंडीशन तभी होती है जब इस शरीर रूपी घर पर कोई दरवाजा ना हो, और दरवाजे का काम कौन करता है? गॉड मरकरी। गॉड मरकरी हमारे शरीर रूपी घर में दरवाजे का काम, रक्षण कवच का काम करते हैं, और जिस भी मनुष्य के या जिस भी महिला के घर में, यानी घर रूपी शरीर पर दरवाजा ना हो, उसके शरीर में आधाएं बाधाएं प्रेत आत्माएं बड़ी बड़ी कठिनाइयां अश्वत्थामा जैसे राक्षस आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने अभिमन्यु के पुत्र को मारने का पूरा पूरा षड्यंत्र रचा था।
तो आज भी यहां पर बहुत बड़े तांत्रिक मंत्र जानने वाले, आपके गर्भपात को गिराने वाले, गर्भ में गलत संतान हो, संतान होगी तो मर जाएगी, या कुरूप ही पैदा होगी, या मृत शिशु का ही जन्म होगा, ऐसा षड्यंत्र कराने वाले हैं। और उनकी चाल चल जाती है, उनका प्लान सफल हो जाता। उनका प्लान सफल कब होता है? जब ऐसी रेखाएं होती, और ऐसी रेखाएं कब होती है? जब मनुष्य के जीवन में बुध ग्रह की दशा अशुभ चलती है, तभी ऐसी रेखाएं होती है। अन्यथा रेखाएं तो संभव ही नहीं। अगर पहले से गॉड मरकरी की आराधना, प्रार्थना, मंत्र साधना करवा ली जाए, तो गारंटी है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या, कोई मंत्र विद्या, कोई अला है, कोई बला है, कोई ऊपरी बाधा नहीं चल पाएगी, और आप सुखमय जीवन बिता पाएंगे। अन्यथा एक बात अच्छी तरह सुनना, चाहे आप कोई बड़े अधिकारी हो, या कोई बड़े भगवान के भक्त हो, कोई धनवान हो, या कोई भिखारी ही क्यों ना हो, कोई गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर बुध की शुभ दशा है तो आपका कोई बाल भाका नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपर बुध की अशुभ दशा है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। दो बातें अच्छी तरह नोट कर लीजिए। यहां पर शादी और संतान को अगर बचाने वाला कोई है, वो है गॉड मरकरी। इस जीवन में हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, छिति जल पावक गगन समीरा। हिंदू क्या कहता है? मैं भगवान को मानता हूं। मुस्लिम कहता मैं भगवान को नहीं मानता। ईसाई कहता हम गॉड को मानते नहीं, हम केवल अपने यीशु को मानते। पारसी वो अपने धर्म को मानता। हम सभी धर्म के लोगों से पूछते हैं, छिति धरती, सभी लोग धरती पर रहते हैं, पावक सभी अग्नि से खाना पकाते हैं, कोई हमें कह दे कि वो पानी से खाना बनाता है, सभी श्वास लेते हैं, सूर्य अग्नि है, और राहु केतु शनि श्वास है, वायु तत्व है, आकाश मंडल में सभी विचरण करते हैं, वो बृहस्पति देव है, और पानी सभी पीते हैं, चंद्र और शुक्र को हम जल कहते हैं, तो कहां बचे हैं? फिर मूर्ता की बात क्यों? मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, क्या है पागलपन? पूरे पांच तत्व यानी नौ ग्रह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। पूरी दुनिया नवग्रह से चलती है। अगर नवग्रह यानी छिति जल पावक गगन समीरा वायु नहीं होगी, दम घुट के पूरी दुनिया मर जाएगी। फिर वहां हिंदूपन भूल जाएंगे आप, मुसलमान जो अपने मजहब को मानते, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पारसी हूं, एकड़ी ठिकाने लग जाएगी आपकी सारी। ये मूर्त ना दिखाएं कि मैं जाति की बात ना करें। मेरे पास हम किसी जातिवादी को नहीं मानते, केवल हमारा काम है पांच तत्वों को, पूरे नवग्रह को। आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, आपको मरकरी से संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप इस धरती पर रहते हैं और धरती को ही बुध ग्रह कहते हैं। ये मजहब वाले लोग महामूर्ख होते हैं और कुछ नहीं होते इसके अलावा। अपने कुछ लोग हमने सुना है, हमारे मुस्लिम बंधु कहते हैं हम दो वक्त की नमाज अदा करेंगे तो हमारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। अरे दो वक्त की क्या, 50 वक्त की नमाज अदा कर ले, कुछ नहीं होना। हिंदू कहते हैं मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा। ठीक है, हनुमान जी की करिए, देवी की करिए, वो आपकी अच्छी बात है, उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आपको भूख लगी है और आप बीड़ी का धुआं पीते हैं, क्या भूख मिट जाएगी? अरे भूख लगी है, भोजन करिए, गॉड मरकरी है, आप पानी से काम नहीं चलाएंगे, भोजन भी जरूरत है, आपको खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, अग्नि मिल जाएगी। अगर आपको श्वास ना मिले, दो मिनट क्या, डेढ़ मिनट के अंदर दम घुट कर मर जाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, नमक ग्रह का सहयोग है आपके जीवन को चलाने में। नमक ग्रह के अलावा दुनिया खोखली है, कुछ नहीं। ठीक श्वास की आपको जरूरत है, उसी प्रकार आपको वायु तत्व, धरती की जरूरत है। धरती पर नहीं होगी तो आप रहेंगे कहां? धरती को हम बुध ग्रह बोलते हैं, और अगर आपके जीवन में बुध ग्रह की शुभ दशा हुई तो संतान अच्छी होगी, आपका जीवन अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन शुभ अवस्था में होगा, अन्यथा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा आपका, ये बिल्कुल तय बात है। जैसा कि आप 1153 नंबर के हाथ में यहां संतान रेखा पर यानी चाइल्ड लाइन पर एक
नक्षत्र का निशान देख पा रहे हैं, अगर किसी भी महिला के हाथ में ऐसा नक्षत्र का निशान हो या किसी पुरुष के हाथ में ऐसा तारे का शाइन हो, तो ऐसे पुरुष महिला, एक सवाल अगर आपके मन में आता है कि हमने पुरुष का नाम क्यों लिया, अरे संतान तो महिलाओं को पैदा करने, लेकिन पुरुष का नाम क्यों लिया? तो इस दुनिया में किसी जमाने में एक पुरुष जो लोग हुआ करते थे, आज बहुत सुंदर महिलाएं वो हैं, यानी कुछ लोग अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, और जो कुछ पुरुष किसी जमाने में पुरुष हुआ करते थे वो आज सुंदर युवतियां हैं, उन्होंने सुंदर नवजात शिशुओं को जन्म भी दिया है, और यहां तक कि कई सूचनाएं आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऐसे इस दुनिया में 1% लोग भी हैं जो पुरुष ने बच्चों को जन्म दिया है, यानी उन्होंने अपना सेक्स चेंज कराया है और बच्चों को जन्म दिया है। इसलिए हमने कहा कि ऐसे रेखाएं पुरुष के हाथ में भी हो सकती हैं और महिलाओं के हाथ में। इतना ही नहीं, कई बार पुरुष के भाग्य से भी कई बार हो सकता है किसी महिला के संतान नहीं होती और उस महिला का किसी अन्यत्र पुरुष के साथ विवाह करा दिया जाता, पहले वाले पति के उसे एक संतान नहीं हुई और जैसे वो महिला दूसरे पति के साथ गई रहने लगी, उसने सहवास किया, अगले ही महीने सुख सूचना मिल गई, वो महिला प्रेग्नेंट हो गई। यानी इसका मतलब यह है कि पति के भाग से ऐसी महिला प्रेग्नेंट हुई। अब बात आती है, अगर ऐसी रेखा है तो क्या ओरिजिन होगा? अगर संतान रेखा पर तारे का निशान है तो ऐसी संतान कुरूप पैदा होती है या कंटक ही पैदा होती है। पूरा जीवन, पहली बात तो है मृत संतान ही पैदा होगी या मृत शिशु का ही जन्म होता है, या 1-2 महीने बाद बीमारी, फिर बीमारी, आए दिन बीमारी होती रहेगी, और बालारिष्ट दोष के कारण, बालारिष्ट दोष चीर से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में जो रोग होते हैं शिशुओं को, उसे हम बालारिष्ट दोष कहते हैं, और ऐसे बालारिष्ट दोष बहुत ही भयंकर बीमारियों को लेकर आते हैं। परिणामतः इस बालारिष्ट दोष के कारण शिशु की मौत हो जाती है, और कई बार अगर मौत भी ना हो तो ऐसे शिशु बहुत ही दुखद घटना में 6 साल तक के होते होते इतना भयंकर मौत का शिकार हो जाते हैं कि उसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। शिशु भी मरेगा और घर वालों माता पिता को भी मार के ले जाएगा, इतना अशुभ निशान बताने वाली रेखा होती है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, घर में कोई विस्फोट है या कोई गैस सिलेंडर खोल दिया कोई नवजात शिशु ने, माता पिता को पता ही नहीं और घर में आग लग गई, पूरे किचन में आग लग गई, पूरे घर में आग लग जाती है और विस्फोट इतना भयंकर होता है कि घर के अन्य सदस्य भी उस विस्फोट में मारे जाते हैं, शिशु तो मरेगा ही, इतना दुखद परिणाम बताने वाली ये रेखाएं होती हैं। आपके मन में सवाल आता है, शायद हो सकता है कि आपके हाथों में भी ये रेखाएं हों, तो आप इन रेखाओं से कैसे बच सकते हैं, इन रेखाओं से आप आखिरकार कैसे मुक्ति पा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि आपको इनसे मुक्ति प्राप्त हो जाए? इसके लिए आप गॉड मरकरी यानी बुद्ध देव की शरण में अगर जाते हैं, उनकी मंत्र साधना करते हैं, दान साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभी हिंदू लोग, सभी मुस्लिम भाई, हमारे क्रिश्चियन, पारसी, दुनिया में जितने भी मजहब के लोग हैं, इन्हें हिंदुओं के अलावा वो अगर गॉड मरकरी को नहीं मानना चाहते हैं तो मरकरी से संबंधित दान अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ अगर आपके मन में भी आपकी समस्याओं का निदान जानने की इच्छा है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिखाई जा रहे
व्हाट्सएप नंबर पर अपनी दोनों हथेलियों की फोटो हमें सेंड करें। कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण करके आप तक आपकी समस्त जानकारियां पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कल इसी समय और इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।